अस्सलाम रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी ओसनिया और आप देख रहे हैं लज़्ज़त कुकिंग। आज आप लोगों के साथ सर्दियों की एक और स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों की ही फरमाइश पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सी यमी सी और बहुत ही फ्लफी सी कॉफ़ी बनेगी, और आप इसको पीने के बाद मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आप टॉप ब्रांड्स के कॉफ़ी पीना और उनका जायका जो है ना उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत यमी बनेगी। आप घर पे वो कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं जिसके लिए आप स्पेशली इस मौसम में बाहर जाते हैं और बहुत ढेरों पैसे खर्च करते हैं और कॉफ़ी जो है वो इंजॉय करते हैं। इस कॉफ़ी का कप घर पे बनाएं, बाहर लॉन में बैठें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत सस्ते में और बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। जस्ट 3 मिनट में आप ये कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होगी। तो ज़बरदस्ती कॉफ़ी तैयार करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उस पर मैंने यहाँ पर ली है कॉफ़ी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नेस्कैफे की ली है। आपको जो भी ब्रांड पसंद हो, जो भी कॉफ़ी का आपको फ्लेवर पसंद हो, आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंडली आपको चाहिए शुगर। आप मैं यहाँ पर ग्रैनुलर शुगर ले रही हूँ, वो रेगुलर शुगर जो आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्डली आपको चाहिए होगा मिल्क। मिल्क जो है वो अगर आप फुल फैट मिल्क लोगे तो इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। कुछ लोग इसके अंदर जो है वो क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इतनी परफेक्ट है, इसका टेस्ट बिल्कुल आपको वो जो टॉप ब्रांड्स की कॉफ़ी है उस जैसा मिलेगा। आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई क्रीम या डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा वार्म वाटर मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी इसका मिक्सर तैयार करने के। और लास्टली आपको चाहिए होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हैंड विस्क से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हैंड विस्क इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो आपको 15 मिनट तक लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से विस्क करने में। लेकिन अगर आप ये इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करते हो तो इससे 3 मिनट में परफेक्ट सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर फातिमा जो है वो वेट कर रही है, वो देख रही है कि जो है वो कॉफ़ी कब तैयार होगी। फातिमा, यू वॉन्ट टू हैव अ कॉफ़ी? यस, ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया, और मिल्क ऐड करके मैंने इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दिया। इसकी प्रोसेसिंग के लिए मैंने यहाँ पर बाउल लिया है, और उस बाउल के अंदर मैं ये 1/2 कप मैंने शुगर लिया। मैं आपसे यहाँ पर ये बात शेयर करती चलूँ कि आपको जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, वो आपको इस रेशियो में चाहिए। अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना है, आपको 1 कप के लिए बनाना है, आपको 2 कप के लिए बनाना है, आपको इससे 1/2 क्वांटिटी बनानी है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप से ज़्यादा बना रही हूँ, और मैं इस मिक्सचर को बनाकर 1 हफ्ते के लिए जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, और आप आराम से टाइम टू टाइम निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर बार आपकी उसी तरह से जो है वो परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी। तो मैंने ये 1/2 कप जो है ये मेजरिंग के लिए यूज़ किया। आप चाहें तो रेगुलर चाय का जो कप होता है उसका भी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मेजरिंग के लिए। आप चाहें तो स्पून्स ले सकते हैं, आप 4 टेबल स्पून्स ले लें, 5 टेबल स्पून्स ले लें, लेकिन जिस स्पून के साथ या जिस कप के साथ आप मेजर कर रहे हैं शुगर, उसी कप के साथ या उसी स्पून के साथ आपको कॉफ़ी भी मेजर करनी है, और वाटर भी उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या उसी मेजरिंग कप या स्पून के साथ आपको करना होगा। अब इसी मेजरिंग कप के अंदर जो है वो मैं ये कॉफ़ी ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी नीचे गिरी है, कोई बात नहीं, ये बाद में साफ़ हो जाएगी। उसी मेजरिंग कप के साथ जो है वो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसी मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए मैं इसके अंदर 1/2 कप जो है वो वार्म वाटर ऐड कर दूँगी। साथ ही अब आपने इस बीटर को यूज़ करते हुए इसको बीट कर लेना। पहले 1 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल स्लो स्पीड पर बीट करना है। एक मिनट के बाद फिर आप इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर देंगे।
मैंने यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए बीट किया और 2 मिनट में आप देख रहे हैं कि इसका कितना अच्छा सा फॉर्म जो है वो तैयार हो गया। ये बिल्कुल एक थिक सा जो है वो पेस्ट बन गया है और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छे से लाइट हो गया। 1 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको जो है वो बीट करेंगे और इससे ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी, और भी ज़्यादा फोमी और भी ज़्यादा जो थिक सा इसका टेक्स्चर है वो रेडी हो जाएगा। Saying I want to do it. अब फातिमा जो है वो देख के फैसिनेट हो रही है और कह रही है कि ये जिस तरह से आप बीट कर रही हैं मैंने भी इसको बीट करना है, तो ये मैं फातिमा को देती हूँ कि वो मज़ीद इसको बीट करे। फातिमा, यू कैन बीट इट। फातिमा के लिए मैं इसकी स्पीड स्लो कर रही हूँ। फातिमा, यू कैन बीट इट एंड एन्जॉय दिस। Enough, Fatma? Okay? Okay. Fatma को जस्ट इसका शौक पूरा करने के लिए दिया था। ये देखिए, मैंने इसको 3 मिनट के लिए बीट किया है और ये कितनी फ्लफी, कितनी लाइट और कितनी यमी सी जो है और क्रीमी सी कॉफ़ी जो है वो तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से 3 मिनट में आप ज़बरदस्त सी, फोमी सी और फ्लफी सी और क्रीमी सी और बस आउट क्लास सी कॉफ़ी जो का मिक्सर जो है वो तैयार कर सकता है। ये जो दूध आपने बॉयल होने के लिए रखा था, जब ये बॉयल हो जाए तो फिर आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटने से क्या होगा कि इस दूध पे झाग आ जाएगी, जिससे इसकी कॉफ़ी जो है वो और भी मज़े की तैयार होगी। मैं कॉफ़ी बनाने के लिए ये मग जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है वो कॉफ़ी मिक्सचर के भर के ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इसे कम भी ऐड कर सकते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप लाइक करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए जो है वो 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी। अब आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर दें। मिल्क आप इस तरह से ऐड करें कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर से रख के डालें ताकि ये और भी फॉमी बने। अब 1 टेबलस्पून कॉफ़ी जो है वो आप इसके टॉप पे इसके ऊपर ऐड कर दें और उसको गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी सरफेस के ऊपर आप इसको फैला दो। बाकी आप कॉफ़ी पाउडर के साथ या फिर कोको पाउडर के साथ या चॉकलेट पाउडर के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करें उसके साथ आप इसको थोड़ा सा गार्निश करें। मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ।
और ये जो कॉफ़ी का बाकी मिक्सचर बचा है इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और इसको आप फ्रिज में रख दो और आराम से आप इसको 1 से 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बनाएंगे, आप इसको जो है तैयार करेंगे, आपको वही फ्लेवर मिलेगा, वही जायका मिलेगा, वही जो है वो आपको क्रीमी सा टेक्सचर मिलेगा जो आप फर्स्ट टाइम में तैयार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी यमी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो कॉफ़ी कैपेचिनो जो है वो रेडी है। आप इसको ट्राई करें, बिलीव मी आपको इतने मज़े की लगेगी, इतनी फ्लेवरफुल बनेगी कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स की जो कॉफ़ी हैं वो भूल जाएंगे और बहुत सस्ते में और बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में तैयार करेंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम सर्दियों की एक और यमी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।